यहाँ पे बहुत सारे डिशेस अवेलेबल है, मोमोज है, बरीटोज है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डिशेस हैव अराइव्ड। त्रिशूल पान सेंटर, जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तेजल एंड यू आर वॉचिंग वॉक इन ईट पावर्ड बाय घर का स्वाद एंड मी हाय कोहली। सो फ्रेंड्स, टुडे अगेन आई एम एट वसंत विहार थाने एंड एज यू नो दिस प्लेस इज फेमस फॉर सर्विंग वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड्स। और आज हम यहाँ पे क्या खाने वाले हैं, वैसे आपने तो देखा ही होगा इंट्रो में कि टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई वैरायटीज ऑफ स्ट्रीट फूड। सोच के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो वैसे तो आपको पता ही होगा मैं एक नंबर की भुक्कड़ हूँ, कंट्रोल तो भाई मुझसे बिल्कुल नहीं होता। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वॉक इन ईट। सो नाउ आई एम एट दिस प्लेस कॉल्ड दार्जिलिंग मोमोज एंड मोर एग्जैक्टली क्या है वो आई थिंक हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड सेड कि अगर मोमोज ट्राई करने हैं ना तो ये प्लेस के मोमोज तो ज़रूर ट्राई करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसी के साथ बहुत दूसरी चीज़ें भी। अभी ये दूसरी चीज़ें एग्जैक्टली क्या है डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आई एम एक्चुअली कन्फ्यूज मैं एक्जैक्टली क्या ऑर्डर करूँ, लेकिन इन सब में से आई हैव डिसाइडेड टू ऑर्डर चिकन तंदूरी बटरफ्राई पिरी पिरी चीज़ मोमोज। आई नो नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, सो लेट्स ऑर्डर इट एंड लेट्स सी कि हमें क्या खाने मिलता है। एक चिकन तंदूरी बटरफ्राई पिरी पिरी चीज़ मोमोज। तो फ्रेंड्स, माई मोमोज हैव अराइव्ड। आप देख सकते हो बहुत सारा चीज़ है मोमोज के ऊपर, भर भर के चीज़ है, साथ में मेयो है और एक चटनी भी है एंड बहुत सारा यू नो टेस्टी टेस्टी स्मेल मेरे नाक में जा रहा है। आई वॉन्ट टू ईट इट। सो चलिए इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा टेस्ट करता है। सो यू कैन सी कि इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ है, दिस इज़ समथिंग आई थिंक मैं टेस्ट करके आपको बताऊँगी। और अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, क्योंकि मोमोज बाहर से तो मुझे दिख रहे अच्छे से तंदूरी में डले हुए हैं। वाओ गाइस, फीलिंग देखो इसके अंदर, चिकन की फिलिंग है जिसमें बहुत सारा मुझे धनिया दिख रहा है, अनियन दिख रहा है और बाकी का आई थिंक खाके ही पता चलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे ट्राई करते हैं। चटनी भी लूँगी मैं, चटनी इज़ इम्पॉर्टेंट। वाह, बहुत सारे फ्लेवर्स है फ्रेंड्स। अंदर की जो चिकन की फिलिंग है इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेरी जूसी एंड वेरी फ्लेवरफुल। मुझे धनिया की फ्लेवर आ रही है, आई कैन टेस्ट सम अनियंस इन देयर, आई कैन टेस्ट गार्लिक, आई कैन टेस्ट जिंजर एंड उसी के साथ उसके ऊपर जो रेड रेड सॉस है ना, इट्स एक्चुअली पेरी पेरी सॉस, मुझे अभी रियलाइज हुआ वो, क्योंकि उसकी भी फ्लेवर आ रही है मेरे मुँह में और उसी के साथ चीज़ की भी फ्लेवर है। जो चटनी है उसमें भी भर भर के धनिया डला हुआ है एंड इट इज़ मीडियम स्पाइसी। ये पूरी डिश में कह सकती हूँ इट्स मीडियम स्पाइसी, लेकिन इट्स लाइक अ कम्फर्ट फूड, मतलब खाते ही ऐसा लग रहा है कि वाह सुकून मिल गया, मतलब सीरियसली। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने बहुत सारे स्टीम मोमोज, फ्राइड मोमोज ये वो खाए हैं, लेकिन दीज मोमोज आर यूनिक क्योंकि ये तंदूरी मोमोज है। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे शवारमा भी मिलता है, यहाँ का शवारमा भी बहुत फेमस है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप घर बैठे ऑर्डर करना चाहते हो तो स्विगी एंड जोमेटो पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर करके खा सकते हो। और अभी मैं खाने जा रही हूँ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे, बाय। सो नाउ आई एम एट द नेक्स्ट लोकेशन। आई नो मेरे पीछे आपको लगा होगा मैं ऑटो ऑटो लेके कहीं दूसरे ही प्लेस पे आई हूँ, लेकिन दिस इज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज नॉट जस्ट माँ का खाना एंड एज द नेम इज़ इंटरेस्टिंग, इनके जो डिशेज है उन्होंने होम मेड डिशेज को एक यूनिक ट्विस्ट दिया है जिसके वजह से इनका मेन्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी गेट टू ईट। सो फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट यहाँ का मेन्यू, इट्स शॉर्ट एंड इट्स स्वीट एंड यहाँ के जो डिशेस है ना यार दमदार, मतलब इतने यूनिक नेम्स मैंने तो भाई कभी नहीं देखे। एंड आपने समोसा वड़ा पाव ये तो खाया ही होगा, इट्स ऑलरेडी टेस्टी, लेकिन यहाँ पे पता है यहाँ पे आपको मिलता है चिकन वड़ा पाव एंड चिकन समोसा, लाइक आई कैन नॉट इमेजिन कितने ज़्यादा टेस्टी होंगे ये डिशेज। सो दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई एम गोइंग टू ऑर्डर, सो लेट्स प्लेस द ऑर्डर। एक्सक्यूज मी सर, वन चिकन समोसा एंड वन चिकन वड़ा पाव।
सो फ्रेंड्स, अवर डिशेस हैव अराइव्ड और सबसे पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ चिकन वड़ा पाव। तो आप देख सकते हो कि द वड़ा पाव इज़ ऑल्सो यू नो वेरी टेस्टी। आप देख सकते हो अंदर एक पैटी है, उसमें बहुत सारा चिकन है और नीचे आप देख सकते हो चटनी है, फिर मेयो है, मेयो की थिक लेयर है, तो खाने में मज़ा आने वाला है। साथ में कुछ अनियंस भी है एंड ऑफ कोर्स इज वेरी सॉफ्ट बन पाव। तो चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, अब मुझे पता चला कि उन्होंने इतना यूनिक नेम क्यों रखा है, नॉट जस्ट मागा खाना। बिकॉज जैसे मैंने फर्स्ट बाइट लिया, मेरा ध्यान ना मेयो पे गया ना चटनी पे गया, बट सीधे इनके पैटी पे गया, विच इज़ सो फ्रेश। एंड उसके अंदर का जो कीमा है ना, उसमें एकदम घर के जो अपनी मम्मी खाना बनाती है वैसा फ्लेवर आ रहा है। एंड ट्विस्ट तो है ही, ये कीमा वड़ा पाव में है। सो यार, नाम को उन्होंने पूरी तरीके से यू नो जस्टिफाई कर दिया है। और ये जो पैटी है बाहर से बहुत क्रंची है एंड इट्स वेरी फ्रेश। उसी के साथ इसमें जो बहुत सारे स्पाइस मिक्स उन्होंने डाले, सीक्रेट मसाले पता नहीं कौन से डाले, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ रही है। और आलू भी है इसमें और बहुत सारे यू नो टेस्टी यूनिक मसाले हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट डिश, विच इज चिकन समोसा। सो फ्रेंड्स, हमारा चिकन समोसा भी आ चुका है एंड इट इज़ सर्व विथ फ्रेंच फ्राइज एंड पुदीने की चटनी। तो चलिए इसे हम टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो बाहर का लेयर है ना, इट्स वेरी क्रंची। सो व्हेन यू बाइट इट ना, यू गेट दैट क्रंच एंड देन उसके अंदर जो फिलिंग है, बहुत सारा चिकन है यार इसमें, वो चिकन इतना टेस्टी है। आई कैन से इट इज़ मीडियम स्पाइसी। ऊपर से जो चटनी है उसका भी पुदीने का यू नो हिंट ऑफ फ्लेवर आ रहा है, जो खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस कीमे के बारे में बात करूँ तो मैंने बहुत सारे स्ट्रीट फूड टेस्ट किया है, आपने भी मेरे साथ टेस्ट किया है, और चिकन जहाँ पे भी मैं टेस्ट करती हूँ तो मैंने देखा है कि सिंस यू नो टाइम इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके जो पैटीज वगैरह होते हैं फ्रोजन वगैरह होते हैं। लेकिन व्हेन आई एट दिस ना, सबसे पहली चीज़ मुझे ये क्लिक हुई कि ये चिकन बहुत ज़्यादा फ्रेश है एंड दिस इज़ नॉट फ्रोजन, यू नो दिस इज़ फ्रेशली मेड। जैसे घर पे हमारी मम्मी हमारे लिए फ्रेश खाना बनाती है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो वैसे फ्रेंड्स, मेरे साथ अभी है ओनर ऑफ द शॉप, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू अवर चैनल। आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आपने प्लेस कब से स्टार्ट किया। मैंने एक्चुअली होम किचन स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। अच्छा। सो आई यूज़ टू कुक इन माय हाउस एंड द वर्ड स्प्रेड थ्रू फ्रेंड्स। हाँ। एंड बिकॉज द रिस्पॉन्स वॉज गुड, वी डिसाइडेड टू टेक अप दिस प्लेस। सो वन मोर क्वेश्चन आई हैड कि इतना यूनिक नाम आपको कहाँ से सूझा। सो ऑल द आइटम्स दैट आर देयर इन द मेन्यू आर ऑल आइटम्स दैट माई मॉम यूज टू कुक फॉर अस एट होम। ओके। सो बींग अ फूडी एंड लविंग टू ईट फूड, वी अडेप्टेड द थिंग। So actually me and my sister and my now husband started this together. So thank you so much for serving this unique food to us, ma'am. Thank you so much. So friends, चलिए अभी ये तो tasty tasty खाना हमने खा लिया, तो let's go to the next location. So friends, I am at the next location called Mr. Shawarma. एंड शवारमा तो हम सब ने खाया है, सब जगह पे मिलता है, लेकिन यहाँ के शवारमा की यूनिक बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो मैंने ऑर्डर किया है लेमन कोरिएंडर सिग्नेचर शवारमा। अब ये सिग्नेचर क्या है वो तो ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। सो फ्रेंड्स, माय शवारमा इज हियर, बहुत ही गरम गरम है, मैंने लिटरली दो दो टिश्यू लिए हैं। तो चलिए अब इसे टेस्ट करके देखते हैं। ओह माय गुडनेस गाइस, आप देख सकते हो इट इज़ लोडेड विथ मिंट कोरिएंडर चटनी, उसके साथ बहुत सारा मेयो अंदर है, आप देख सकते हो चिकन है, बहुत सारा लेटिस है और बहुत सारी यू नो इट्स फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ गुडनेस। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। वाओ, इट्स सो क्रीमी। और ऊपर से उन्होंने जो ये होममेड चटनी डाली है उसकी बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आ रही है। आई एम गेटिंग फ्लेवर ऑफ कोरिएंडर, आई एम गेटिंग फ्लेवर ऑफ मिंट। उसी के साथ उसमें उन्होंने बहुत सारा फ्रेश लेटिस डाला है, तो वो क्रंच आ रहा है। उसके अंदर उन्होंने जो चिकन डाला है वो भी नाइसली सीजनड है। इट्स सॉफ्ट, इट्स जूसी। आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चिकन तो भाई सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए, अदरवाइज शवारमा का मज़ा तो नहीं आने वाला। ऊपर से जो रोटी उन्होंने बाहर दी हुई है, इट्स ऑल्सो वेरी सॉफ्ट
जैसे आप खा रहे हो ना तो रोटी इजीली ब्रेक हो रही है और जैसे ही आपके मुंह में जा रही है इट्स लाइक मेल्टिंग. ऊपर से इसमें बहुत सारा कैबेज भी दिख रहा है मुझे, अनियन भी दिख रहा है और आई जस्ट लव्ड इट. आई मीन यू टेक अ बाइट एंड योर माउथ गेट्स फिल्ड विद ऑल दीज गुडनेस, यू नो, मेयो, चटनीज, और खाने में आप ऐसे आराम से रुक के यू नो खो हो जाओगे. इतने सारे उन्होंने यहाँ पे सॉसेस जले हुए हैं. सो फ्रेंड्स, आई एम एट द नेक्स्ट लोकेशन कॉल्ड बीबी बरिटो बाओ एंड को. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि बाओज एग्जैक्टली होता क्या, और यहाँ पे बहुत सारे डिशेस अवेलेबल है, मोमोज है, बरिटोज है, लेकिन आई वॉज क्यूरियस टू नो कि बाओज क्या है. सो आई हैव ऑर्डर्ड टू डिशेज विच इज़ पेरी पेरी बाओज एंड द सेकेंड डिश इज ऑयस्टर सॉस बाओज. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि ऑयस्टर सॉस, लाइक नाम इतना मुझे यूनिक लगा. तो अभी देखते हैं कि हमें क्या टेस्ट करने मिलता है. सो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डिशेज हैव अराइव्ड. सो आई हैव पेरी पेरी बाओ विच इज चिकन पेरी पेरी बाओ एंड देन आई हैव ऑयस्टर सॉस बाओ. तो लेट्स टेस्ट इट वन बाई वन. ओके, सो लेट्स टेस्ट दिस. सो फ्रेंड्स, यू कैन सी के आउटसाइड में यहाँ पे कोई फ्राइड वेजिटेबल लगाई हुई है. सो आई डोंट नो ये क्या है, खाने के बाद मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. और अंदर आप देख सकते हो चिकन की फिलिंग है एंड इसमें ऑब्वियसली पेरी पेरी की जो फ्लेवर है वही आएगी बिकॉज स्मेल भी बहुत आ रही है एंड मेयो भी है इसमें. एंड बाहर से यू कैन सी दिस इज़ सम ब्रेड काइंड ऑफ थिंग, ऑब्वियसली मैदे की बनी है. तो अभी खा के देखते हैं कैसे टेस्ट करती है. द चिकन एंड ऑल इज़ गुड, लेकिन जो पेरी पेरी का जो फ्लेवर है आई थिंक दे वेंट अ बिट ओवरबोर्ड विद द पेरी पेरी फ्लेवर बिकॉज इट्स थोड़ा स्पाइसी. मतलब मेरे लिए बींग एन अडल्ट इट्स लाइक काइंड ऑफ स्पाइसी. ऊपर से यू कैन सी दैट द फ्राइड थिंग, आई थिंक इट्स फ्राइड केल. केल इज़ अ काइंड ऑफ बीफी वेजिटेबल, तो वो भी इसमें डली हुई है. एंड ओवरऑल आई कैन से कि अगर आप बड़े हो और अगर आपको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है देन यू कैन एन्जॉय इट. लेकिन इफ़ यू आर गिविंग इट टू किड्स, थिंक अगैन, बिकॉज आई डोंट थिंक किड्स इतना स्पाइसी हैंडल कर पाएंगे. एंड लाइक वैन यू ईट इट यू विल फील एज इफ यू आर ईटिंग समथिंग लाइक रियली स्पाइसी, लाइक चिली और समथिंग. तो अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ रियली गुड. चिकन इज़ गुड, इट्स सॉफ्ट, इट्स जूसी. सो नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन विच इज़ द ऑयस्टर सॉस बाउल्स. ओके, दिस इज़ गुड, दिस इज़ नॉट दैट स्पाइसी. इसके अंदर भी आई थिंक जो ऑयस्टर सॉस है वो डला हुआ है एंड ऑयस्टर सॉस आई कैन से इट टेस्ट अ बिट सावर एंड इट्स माइल्डली स्पाइसी. चिकन मैं बोलूँगी कि चिकन इज़ गुड, इट्स जूसी, इट्स नाइस. एंड ये जो ऊपर का कवरिंग है जो मैंने पहले भी बोला था इट्स लाइक काइंड ऑफ अ ब्रेड काइंड ऑफ थिंग, इट्स सॉफ्ट, इट्स गुड. ओवरऑल अगर मैं टेस्ट की बात करूँ दोनों की तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ओकेश. एक बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, एक आई कैन से माइल्डली स्पाइसी है. एट द सेम टाइम गाइज, इफ़ यू आर ऑर्डरिंग योर, मेक श्योर यू ऑर्डर 30 मिनट्स बिफोर, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट लोकेशन. सो नाउ आई एम एट द नेक्स्ट लोकेशन विच इज़ त्रिशूल पान सेंटर, जय भोलेनाथ. तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स मिलेंगे पान के. यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हो पाइन एप्पल, मस्क मेलन, बटर स्कॉच, शाही पान मिक्स, ओ माई गॉड, इतने सारे फ्लेवर्स. आई एम लूजिंग काउंट ऑफ इट. तो यहाँ पे ऑफ ऑल दीज फ्लेवर्स मैंने डिसाइड किया है दैट आई एम गोइंग टू ट्राई शाही पान, क्योंकि इतने शाही शॉप में आए हैं तो समथिंग रॉयल तो होना ही चाहिए, राइट? तो चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे करता है. एक शाही पान लगा देना. ठीक है. ये आपने आइस वगैरह क्यों लिया है? मैम आइस इसलिए लिए, पान जितना ठंडा रहता है ना उतना खाने में आपको बहुत मजा आएगा. गुलकंद डाला है. अच्छा, गुलकंद. हाँ, ये टूटी फ्रूटी है. वाओ, टूटी फ्रूटी. खारिक. अच्छा, खारिक. खारिक इज आई थिंक डेट्स. डेट्स, यस. कोकोनट. वाओ, कलरफुल है. यस. ड्राई फ्रूट्स. ओहो, ड्राई फ्रूट्स में एग्जैक्टली क्या है? काजू है, पिस्ता है, बादाम है, किशमिश है. ओहो. एंड चोको चिप्स. वाओ. और ये हम लोग का स्पेशल फ्लेवर. ओके, स्पेशल फ्लेवर. हम लोग खुद ही बनवाते हैं. अच्छा, इसका टेस्ट एकदम ऑसम.
फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा शाही पान रेडी है एंड आई एम फीलिंग लाइक अ किंग। आप देख सकते हो इस पान पे कितनी सारी चीज़ें, इट्स सो कलरफुल एंड आई एम क्यूरियस टू नो कि ये टेस्ट कैसे करता है। आई नो आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरा खाऊंगी, लेकिन इफ़ आई ईट इट ऑल देन यू विल हैव टू वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर फॉर द रिव्यू। तो मैं थोड़ा ही खाने वाली हूँ, सो आई एम गोइंग टू डिग इन। ओ वेल, मुझे बहुत सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं इसके अंदर। अंदर के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत ही क्रंचीली टेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ इसमें आई थिंक उन्होंने कुछ मुझे कूलिंग वाली फ्लेवर आ रही है। यू नो आई एम फीलिंग एज इफ मेरे मुंह में कुछ एसी वगैरह ऑन हो गया है। सो आई थिंक मैंने उनको पूछा था एक्चुअली इसके अंदर उन्होंने कुछ ठंडक डाला, आई डोंट नो व्हाट दैट इज बट इट्स गिविंग रियली गुड फ्लेवर। उसके साथ इसमें चॉकलेट चिप्स जो है वो आई एम गेटिंग टू टेस्ट। ये जो ऊपर की टूटी फ्रूटी है, अंदर भी टूटी फ्रूटी है, वो भी मेरे दांतों के नीचे आ रही है, तो मज़ा आ रहा है। लाइक यू नो इट्स गिविंग मी लाइक अ स्वीटिश फ्लेवर। उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा अंदर यू नो जो डेट्स वगैरह डाले थे उसकी भी बहुत अच्छी फ्लेवर आ रही है। तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि पान इतना टेस्टी भी हो सकता है, सो आई रियली लाइक्ड इट। आई मीन अगर मुझे पहले पता होता कि ये पान ऐसा टेस्ट करता है तो मैं शायद पहले आती यहाँ पे, बट फाइनली आई नो कि अगर मुझे ऑसम पान खाना है तो मुझे कहाँ पे आना है। सो फ्रेंड्स आप भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आके यहाँ पे ये पान टेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट यू कैन हैव इट लाइक अ सेमी डेजर्ट। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, चॉकलेट, वैनिला, पाइनएप्पल, मेरे आसपास आप देख सकते हो इतने सारे फ्लेवर्स एंड इट्स लाइक रियली वर्थ इट। तो अगर आप यहाँ कहीं पे भी हो यू शुड रियली ट्राई इट। एंड सच कहूँ तो फ्रेंड्स मैंने इतना सारा खा लिया था, मेरा पेट लिटरली पैक हो चुका था, बट जैसे ही आई हैड वन बाइट ऑफ दिस पान, ओहो मतलब इतना रिफ्रेशिंग मुझे फील हुआ। इसके अंदर का चॉकलेट हो या डेट्स हो, डेट्स का जो नट्टी फ्लेवर था, ड्राई फ्रूट जो थे, मतलब मज़ा आ गया, लाइक सुकून मिल गया, लाइक यू नो आई वाज लाइक वाओ। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो शूट करने में तो भाई मुझे बहुत मज़ा आया, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट टू। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो टू लाइक इट, डू शेयर इट। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल डू सब्सक्राइब। ऑल्सो मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। उसी के साथ इफ़ यू विजिट दिस प्लेस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आई हैव मेंशन्ड द प्रॉपर एड्रेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खाते रहिए और खाते रहिए।